नमस्कार दोस्तों, इंडिया एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपके लिए बताऊंगा कि बीएचयू कुछ अच्छे कोर्स हैं जिनका सिलेबस सिर्फ एक जैसा है, तो आप एक फॉर्म अगर आपने भरा है तो एक से अधिक भी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपका करियर अपॉर्चुनिटी अच्छा है, इसमें जॉब भी लगने का भी चांसेस रहेंगे। तो कुछ कोर्स हैं जो मैं आपके लिए सजेस्ट करना चाहूंगा, आप अगर आप फिल करना चाहते हैं तो 29 फरवरी तक उनको फॉर्म भर दीजिए। जो अच्छे कोर्स हैं आपके लिए भर रहे हैं इसमें, तो मैं सजेस्ट करता हूँ, तो उसको आप सिर्फ ऐड कोर्स कर लीजिए, पेपर आपका वही देना होगा। तो मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस भर दीजिए, बहुत अच्छा कोर्स है। इसमें केंद्रीय विद्यालय और नवोदय में भी आपकी गवर्नमेंट जॉब के काफ़ी चांसेस रहते हैं, और बाकी सभी यूनिवर्सिटी में तो लाइब्रेरी है ही, तो इसमें लाइब्रेरी बहुत अच्छा कोर्स है, इसको आप जरूर फिल करिए अगर आपका मन करे तो। इसमें आपकी जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। अभी एक कमेंट आया था लास्ट में कि लाइब्रेरी साइंस का, तो इसको बहुत अच्छा है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपके लिए ये एंट्रेंस बहुत ईजी रहेगा, क्योंकि इसका सिलेबस पूरा वनडे एग्जाम की तरह, तो आप जरूर फिल करिए इसको। और मैं बता दूँ आपके लिए, इसमें एक कोर्स है आपका MN मास कम्युनिकेशन। अगर आप पत्रकार बनना चाह रहे हैं या पत्रकारिता करना चाहते हैं तो MN मास कम्युनिकेशन भर दीजिए, ये भी अच्छा कोर्स है आपके लिए। अगला आपका कोर्स है मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, तो आप इसको भी भर सकते हैं, ये भी अच्छा कोर्स है। और आपका अगला कोर्स है ये MPMIR मास्टर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। MPMIR फीस जरूर ज़्यादा है, 60,000 फीस है, लेकिन अच्छा कोर्स है, प्लेसमेंट होता है BHU से, तो इसको भी भर दीजिए। अगला कोर्स है आपका MA इन सोशल वर्क या मास्टर ऑफ सोशल वर्क, इसे MSW कहते हैं। इसमें भी आपके प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लगने के चांसेस रहे, इससे भी आपका प्लेसमेंट होता है। तो ये अच्छे कोर्स थे कुछ BHU के, जिनको आपको फॉर्म भरना चाहिए। और आपका ये भी अच्छा है, MBA कराता है BHU अपनी तरफ से, कॉमर्स फैकल्टी कराती है इसकी, तो ये कैट के थ्रू भी BHU में MBA होता है और एक कॉमर्स फैकल्टी MBA कराती है। तो ये कोर्स है जो कॉमर्स फैकल्टी की, तो इसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका भी सिलेबस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, किसी वनडे एग्जाम की तरह ही, यानी रीजनिंग मैथ GS और आपको मैथमेटिक्स करना है, तो भाई आपका सिलेबस है एक लैंग्वेज करनी है, तो आप इस MBA वाला भी कर सकते हैं। इसमें अभी 10 लाख का प्लेसमेंट हुआ है, तो जो लोग MBA करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा कोर्स है ये। आप MBA का कोई भी फॉर्म भर दीजिए इसमें से, तो आपके लिए कुछ अच्छे कोर्स थे जो आपको BHU में फॉर्म भर देने चाहिए, मैं बता रहा हूँ। और आप LLB भी कर सकते हैं, LLB बहुत अच्छा कोर्स है, ये UT के अंतर्गत आता है। और आप BEd करना चाहते हो तो BHU से BEd भी कर सकते हैं, वो भी UT के अंतर्गत आता है, तो उनके लिए आपको अलग रजिस्ट्रेशन करने का। ये सभी कोर्स आपके PET के अंतर्गत आते हैं, तो उनके लिए आपको अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अगर आपने PET का पहले कोई फॉर्म भर रहा है तो उसके साथ में ऐड कोर्स कर दीजिए, लेकिन 29 फरवरी से पहले पहले आप ऐड कोर्स कर लीजिए और उसकी फीस जमा कर दीजिए। बस आपको दूसरा फॉर्म भरना है तो आपको ऐड कोर्स करके फीस सबमिट कर देनी है, पूरा फॉर्म नहीं भर कर लिया है अपने सब्जेक्ट में और आपने उसमें PG नहीं करना चाहते, जिस भी सब्जेक्ट से आपने किया हो, जैसे आपने BA किया है मान लीजिए हिस्ट्री से, तो आप उसमें MA नहीं करना चाहते हिस्ट्री से, या आपने BSc किया है मैथमेटिक्स से और उसमें आप MSc नहीं करना चाहते मैथमेटिक्स से, या आपने BCom किया और MCom नहीं आगे करना चाहते, तो आप इनमें से कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं। इनकी एलिजिबिलिटी है सिर्फ ग्रेजुएशन में होना चाहिए आपका 50% मार्क के साथ में, और कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप किस इनमें से कोई भी फॉर्म फिल कर सकते हैं जिसमें आपका करियर आपको लग रहा है कि अच्छा रहेगा, उनमें से जो मैंने कोर्स बताए वो चाहें तो वो फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई और भी कोर्स इसमें से फिल कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई और कोर्स करने का मन है तो आप उसको करिए, ये नहीं कि मैं सलाह दे रहा हूँ तो आपको वही कोर्स करना, फॉर्म भर दीजिए। बाकी आप अगर ज़्यादा फॉर्म भरते तो आपका रैंक जिसमें अच्छा रहे, उसके बाद आपके पास बहुत समय है फॉर्म भरने के बाद कि आप डिसाइड कर लीजिएगा। अगर आपका दो में हो जाता है, मान लीजिए आपने दो फॉर्म भरे और दोनों आपका सिलेक्शन हो जाता है एंट्रेंस के बाद, तो उसमें आपको आइजली से डिसाइड कर सकते हैं उसमें कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। उसमें आपके पास ज़्यादा समय रहेगा सोचने के लिए, तो आप उसको अभी फॉर्म फिल कर दीजिए बस, जो आपका मन कर रहा है जिस भी कोर्स में आप थोड़े से इच्छुक हैं तो उसका फॉर्म जरूर फिल कर दीजिए, नहीं तो बाद में आपको पछतावा ना हो कि मैं काश ये वाला फॉर्म भर दिया होता, क्योंकि आपका एंट्रेंस तो सबका एक ही जैसा, सिलेबस एक जैसा, तो आप फिल कर सकते हैं। जब एक की तैयारी करेंगे तो उसके साथ दूसरे की भी हो ही जाएगी इसलिए। और बाकी जो कोर्स मैंने बताया इसका मतलब एकदम नहीं है कि वो कोर्स खराब है या उनको उसमें लोग एडमिशन ले लेते हैं, उसमें भी फॉर्म भरते हैं, उसके भी एडमिशन लेते हैं, लेकिन मुझे ये कोर्स थोड़े अच्छे लगते हैं और इनमें थोड़ी इनकी डिमांड भी ज़्यादा रहती है और लोग इससे ज़्यादा फॉर्म भरते हैं, इसमें थोड़ी सी जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी ज़्यादा है, इसलिए मैंने इन कोर्सों को सजेस्ट किया है। इसका ये मतलब नहीं किसी और कोर्स में जॉब नहीं लगती, उसमें भी लगती है, ये मुझे अच्छे लगते हैं तो मैंने अपनी तरफ से सजेस्ट किए हैं। और बाकी आप किसी कोर्स को करना चाहते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं किसी कोर्स के बारे में, डिटेल से आप उसके बारे में जान सकते हैं, उसके बाद भी फॉर्म फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं। कुछ नया
ट्राई करना चाहते हैं तो कुछ नया भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप नहीं करना चाहते अपने कोर्स से पीजी, तो आप इनमें से किसी भी कोर्स को आप चूज कर सकते हैं, उसको फिल कर दीजिए। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही तो आप कमेंट करके बताइए।